रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हो चुकी है और दो दिन हिम्मत जुटाने के बाद मैंने भी देख लिया। तो क्या तुम इसे झेल पाओगे या आंखें डोनेट करनी पड़ जाएंगी, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं रसित, इस वीडियो का होस्ट। शुरू करते हैं। एज ऑलवेज सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की कहानी ये होती है कि मूवी में रणवीर का नाम होता है रॉकी रंधावा, जिसकी दादी लड्डू बेच के 2000 करोड़ की मालकिन बन चुकी है। तो अपने रॉकी भैया अपने दादाजी की लव स्टोरी सेट करने जाते हैं और वहाँ रानी जी यानी आलिया भट्ट जो सेट को तैयार बैठी रहती हैं, उनसे सेट हो जाते हैं। आई मीन जैसे कपड़े पहन के ये गया होता है, वैसे कपड़े पहन के अगर तुम चले जाओगे तो तुमको कोई बिल्डिंग में घुसने ना दे। और यहाँ रानी जी इनको ऑफिस में बैठा के फ्लर्ट कर रही होती है। करण जौहर मल्टीवर्स पे वे आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को हो जाता है प्यार, पर आलिया जी बंगालन और अपने रॉकी भैया पंजाबी। तो क्या इन दोनों की फैमिली एक्सेप्ट करेगी, कहानी यही है। क्लियरली मूवी की स्टोरी आउटडेटेड है, अब लोग रियलिस्टिक स्टोरी वाली मूवी चाहिए और ये रियलिटी के आसपास भी नहीं भटकती। शायद अमीरों में ऐसा होता हो, पर मूवी तो मिडिल क्लास को ही देखना है। मूवी के डायलॉग्स इतने क्रिंज हैं कि क्या बताऊं, पूरी मूवी एक टॉर्चर है। पता नहीं है रणवीर सिंह को क्या हो गया है, आज के लिए कैसी मूवीज आ रही हैं। वहीं दीपिका पादुकोण आग लगाए हुए हैं। करण जौहर को अभी भी लगता है कि वो ऐसी मूवीज बना देंगे जिसमें अमीरों की अमीरी संभाले नहीं संभल रही। बड़े बड़े सेट्स दिखा दो, 2.5 घंटे की मूवी में 3 घंटे के गाने डाल दो, वो भी सब बेकार। वैसे इस मूवी में पुराने गानों को कहीं कहीं प्ले किया जाता है जो अच्छा लगता है। मूवी पर अपना ओपिनियन देने से पहले एक दो पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। तो पहला ये कि ये जो पुराने गाने बजते हैं वो थोड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरा ये कि आलिया भट्ट कितनी मैजेस्टिक लुक दे रही है। यार आई डोंट नो, मुझे ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग के साथ ही एक्सप्रेशन और लुक में काफी बदलाव आ गया है आलिया के। तो क्या तुम्हें ये मूवी देखने जाना चाहिए? इसका आंसर ये है कि मूवी देखने जाओ, बिल्कुल जाओ, बस जाने से पहले अपना दिमाग घर पे रखना, किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना और अपनी आंखों को मूवी देखने के बाद गर्म मसाले से साफ कर लेना। रणवीर सिंह का करियर की तो ऐसी ही लगी हुई है, लगातार बकवास पे बकवास मूवी आ रही है। तुम देखने नहीं भी जाओगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये था रिव्यू रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।